राम राम दोस्तों, कैसे हैं सब? अमेजिंग लोकेशन है। पहले कभी इस लोकेशन पर गाड़ी लाना मतलब सपना, आज देखिए सपना पूरा हो गया। यहाँ तक गाड़ी आ गई अपनी। ऑफ रोडिंग थोड़ा करना पड़ा, मज़ा आएगा नेचर के साथ। पीछे पहाड़ जंगल है, इस एरिया में भालू है, आपको दिखाऊंगा उनके निशान। लेकिन आज कोई डर नहीं क्योंकि अपने पास गाड़ी है सेफ्टी के लिए। तो चलिए फटाफट से, अभी देखिए 2-3 दिन हुआ, बीच बीच में ना बारिश भी हो जा रही है हमारे यहाँ पर। मतलब दिन में बहुत गर्मी हो जाता है, इसी गर्मी के वजह से जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसको, उसके वजह से शाम को या फिर रात को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बूंदाबांदी हो जाती है, अचानक से चली आती है बिजली बारिश ऐसे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ टेंट के साथ टार्प भी लगा लूँगा आज सेफ्टी के लिए। बाकी बारिश आए तो अच्छा, ना आए तो भी लुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेटअप करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया क्योंकि अंधेरा होने वाला था, मैंने देख लिया था, थोड़ा लेट भी हो गया था। फटाफट से सब कुछ सेटअप कर लिया मैंने। बाकी आजकल चैत का महीना चल रहा है ना, इसलिए चारों तरफ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर लोकल एक वो होता है, उनका एक पर्व बोलते हैं, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए वो मनाते हैं, इसलिए म्यूजिक व्यूजिक बजाते हैं, बाजा वाजा बजाते हैं, इसलिए कोसों दूर से ये साउंड चले आते हैं। देखिए मैं पहाड़ी के किस तरफ हूँ, गिरा हुआ हूँ, फिर भी कोसों दूर से ये साउंड्स आ रहे हैं। सर का क्या कर सकते हैं अभी, ये तो उनका त्यौहार है, वो तो मनाएंगे ही। हम नेचर का एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। अब तो सेटअप कर ही लिया है मैंने, गर्मी भी बहुत लग रही है मुझे, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक लाया हूँ, आइस बॉक्स भी है, निकालते हैं। बड़ा पिघल गए हैं थोड़े थोड़े, बहुत गर्मी है ना, लेकिन ये बढ़िया चिल्ड है। देखिए दोस्तों, ये एक नया ड्रिंक मुझे रास्ते में दिख गया आते वक्त, अमेरिकानो बसिल सीड ड्रिंक विथ ऑरेंज फ्लेवर, पता नहीं कैसा फ्लेवर आएगा। ऑरेंज फ्लेवर का है, बढ़िया है। पहले ऐसे ड्रिंक मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। आज शॉपिंग करते हुए आते वक्त कैंपिंग में रास्ते में मुझे दिख गया, भाई ये कैसा ड्रिंक है, ये नया ड्रिंक कुछ आया है, ऐसे बोल रहे थे वो भाई भी। इसलिए मैंने कहा चलो दे दो एक ट्राई करते हैं कैंपिंग में, वैसे भी तो गर्मी चल रही है। एक और बात बताना है दोस्तों, हमारे YouTube फैमिली में से फिर से और 3 मेंबर जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत सबसे पहले तो दिल से आपको शुक्रिया ऐसे सपोर्ट बनाए रखने के लिए, मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। तो नाम मैं पढ़ता हूँ उनका, जो जो मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं। पहले से एक मेंबर ज्वाइन किए थे जिनका नाम है प्रज्ञा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपको मेंबरशिप लेने के लिए। और दूसरे जो मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं उनका नाम है आकाशदीप थिंड जी, शायद सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा अगर गलत पढ़ रहा हूँ। तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
और तीसरे मेंबर ज्वाइन किए हैं, उनका नाम है राहुल Y555, ऐसे दिखा रहा है उनका चैनल नाम। तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। कुछ दिन हो गए हम गाड़ी में कैंपिंग कर रहे हैं, मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गाड़ी लेके आया हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, ब्लॉग चैनल में भी अपडेट किया था ना, तो गाड़ी का कुछ नाम रखा जाए, तो हमने भी बहुत डिसाइड किया, मैंने भी हरि भाई के साथ भी बहुत डिसाइड किया, मतलब सोचा डिस्कशन किया क्या नाम रखेंगे, क्योंकि देखिए जंगल इलाके में बहुत जाता ही है, तो मैंने सोचा चलो कुछ जंगली नाम ही रखते हैं जैसे कि जंगल से मैच हो, और क्योंकि जंगल वाले इलाके में कहीं भी आसानी से घुस के चली जाती है, तो फाइनली हमने डिसाइड किया इसका नाम रखेंगे। गेस कीजिए क्या रखेंगे, ठीक है अगर गेस नहीं कर पा रहे तो मैं बता ही देता हूँ, इसका नाम हम रखने वाले हैं चीता। भाई चीता भी पीता है और उसको एक फोटो भी मैंने बनाया था, ये देखिए दिख रहा है चीता ये चिपकाने वाले हैं, जल्द ही इसको प्रिंट करवाएंगे, गाड़ी के पीछे कहीं पर जगह देख के चिपका देंगे, तो आज से इसका नाम पड़ गया चीता। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा नाम बताइएगा ज़रूर। अभी जल्दी से मैं ये ड्रिंक ख़त्म करता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, अभी अंधेरा हो गया है, देखिए काफ़ी रात हो चुकी है। ठंडा पानी थोड़ा डाल लिया, गरम गरम अंडे उबल गए, बढ़िया उबल गए हैं। मैंने सोचा शायद कुछ कच्चे रह गए होंगे, लेकिन नहीं है, अच्छे से उबल गए हैं। मैं प्लानिंग कर रहा था ड्राई फिश बनाने के लिए, ड्राई फिश वो भी हमारे उड़ीसा में, हमारे लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कोकोली। कोकोली ड्राई फिश किस किस को पता है बोलिएगा, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो भी थोड़ा आइडिया दे दीजिएगा अगर आपको मालूम है तो। वो छोटे छोटे होंगे, छोटे मछलियाँ, छोटे ड्राई फिश होंगे, वो बहुत टेस्टी होते हैं, वो भी अच्छे से अगर बनाएंगे सही तरीके से तो। लेकिन प्लानिंग क्या हुआ मेरा थोड़ा चौपट हो गया, क्योंकि मुझे आज मिला नहीं मार्केट में आते वक्त, इसीलिए मजबूरन मुझे आइटम चेंज करना पड़ा। राइस हो गया दोस्तों, पानी निकाल के आता हूँ, छान लूंगा इसको। पैन थोड़ा गर्म कर लिया था मैंने पहले से, अब तेल डालने से सही हो जाएगा। सबसे पहले डालूंगा जीरा और सरसों, आज एक नया आइटम है, देखिए जैसे सोया चंक्स होते हैं ना
अब इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हमारे उड़िया में बॉडी बोलते हैं। नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों, भुलक्कड़ हूँ ना थोड़ा, बता दीजिएगा। वैसे वो जो उड़ीसा स्पेशल खाना बनाने वाला था उसके लिए मैं लेकर आया था, लेकिन क्योंकि वो जो कोकोली का वो ड्राई फिश नहीं मिला तो वो प्लान तो चौपट हो गया, इसलिए सडनली मुझे प्लान चेंज करना पड़ा, अंडा बनाना पड़ा। लेकिन ये तो लाया हूँ बहुत सारा, इसी को ही कुछ नए तरीके से बना लूँगा, नया तरीके हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कद्दू और उरद दाल कभी कभी दोनों मिला के भी बनाते हैं, सिर्फ उरद दाल से भी बनाते हैं। ये गए प्याज, अब अंडे भी डाल देंगे। ये भी बढ़िया लाल लाल कलर के हो गए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू अभी से ही आने लगी है, वाह वाह, कलर भी आ गए, मस्त से फ्राई भी हो गए। और अभी सही टाइम है अदरक लहसुन पेस्ट डालने का। फिर से थोड़ी देर फ्राई करूँगा। देखिए दोस्तों, अदरक लहसुन पेस्ट भी फ्राई हो गए, अंडों के कलर भी आ गया ना थोड़ा थोड़ा। ये बिल्कुल ही नए तरीके से बना रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर डालूँगा ये देखिए टोमेटो चिली सॉस। अब इसी के ऊपर ही अपने स्पाइसेस भी थोड़े थोड़े डाल लेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मसाला पाउडर वगैरह वगैरह। लाल मिर्च पाउडर कैसे भूल सकते हैं, थोड़ा सा डालेंगे। और आखिर में नमक भी थोड़ा डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जलेंगे नहीं, इनको अच्छे से भुनेंगे हम। एकदम अलग तरीके से बना आज, तेल मसाले भी अलग हो गए, मस्त फ्राई हो गए ये सब। अब पानी डाल के थोड़ा ग्रेवी बना लेंगे ताकि राइस के साथ मैं आसानी से खा पाऊँगा। अब इसको पकने देंगे, थोड़ी देर पक जाने के बाद जब ये ग्रेवी थोड़ा मोटा हो जाएगा इसको निकाल देंगे। चलिए तब तक आपसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो बीच में मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे अपने YouTube फैमिली से, आप सब जानना चाहते थे कुछ कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स के, मैं जो ये गाड़ी लिया, ये गाड़ी आखिर मैंने कैसे लिया, क्या ये गाड़ी मैंने YouTube के पैसे से लिया या फिर कैसे किया, तो वो सब डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल भी यूट्यूब के पैसे से मैंने ये गाड़ी नहीं लिया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी के टाइम में, मतलब इतने जो सब्सक्राइबर हैं, इतने जो व्यूज अभी आ रहे हैं, अभी के टाइम में यूट्यूब में इतना पैसा नहीं है कि गाड़ी आप खरीद सके, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं थोड़ा लकी हूँ क्योंकि मेरे पापा के टाइम का एक गाड़ी था, पुराना कार था, और उसको मैंने एक्सचेंज किया ये गाड़ी लेने के लिए। और उसको एक्सचेंज करने के बाद जो प्राइस कट हुआ, और थोड़ा और भी लकी हूँ क्योंकि पिछले महीने ये जिमनी के ऊपर हैवी डिस्काउंट भी चल रहा था, 2 लाख रुपए का अलग से डिस्काउंट भी मिला मुझे, और कुछ कुछ एक्सेसरीज मिले। और बाकी एक और बड़ी बात बताऊं दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी, सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे, बिल्कुल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कहते हैं ना, वैसे ही मुझे भी ये पाने के लिए अपना एक ज़रूरी सामान कह सकते हैं, ज़रूरी चीज़, बहुत काफ़ी लगाव था मेरे दिल से, और उसके वजह से मैं अर्निंग भी कर रहा था, तो उसको मुझे सेल करना पड़ा, सेक्रीफाइस कर दिया मैंने। और वो है मेरा ड्रोन, जी हाँ, तो मेरा ड्रोन को भी मैंने सेल कर दिया था।
हाल ही में, उससे भी कुछ पैसे आ गए थे, फंड इकट्ठा हो गया था। बाकी आप सब तो हैं ही, थोड़े थोड़े जो मेंबर बने हैं या फिर जो मुझे यूपीआई से कुछ कुछ हमारे मेंबर सपोर्ट कर देते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहाँ से भी मैंने कुछ कुछ पैसे बचाए थे, वो सब डाउन पेमेंट के तौर पर भी थोड़ा पेमेंट कर लिया और बाकी का ईएमआई कर दिया मैंने लोन में। तो ऐसे करके अभी ये गाड़ी पॉसिबल हो पाया है और इसके वजह से और भी कुछ पॉसिबिलिटी निकल के आए हैं कि मैं अभी डीप डीप जंगल एरिया में और भी अच्छे अच्छे जगहों पर एडवेंचरस प्लेसेस पर ऑफ रोडिंग करके भी कैंपिंग कर सकता हूँ। जो एक ही प्लेसेस पर बार बार कैंपिंग किया करते थे पहले, या मैं भी जाकर करता था, अब थोड़ा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आजकल जो त्यौहार चल रहा है, लोकल त्यौहार जो चैत पर्व बोलते हैं उसको लोकल में, तो इसी महीने में वो आता है, वो करीब कुछ 15 या 20 दिन चलेंगे। तो उसके वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, यहाँ का ट्रेडिशन है ना, वो रोड में ब्लॉक करके, मतलब ग्रुप में इकट्ठा होंगे, कुछ कुछ पैसे मांगेंगे, मतलब रोड ब्लॉक करके, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, उनका त्यौहार सेलिब्रेशन के लिए साल में एक बार आता है, इसीलिए अच्छे तरीके से ही मांगेंगे। वैसे ऐसे कोई मिसबिहेव नहीं करेंगे कि हमको कुछ दो हम सेलिब्रेशन करेंगे, गांव के लोग होते हैं तो लोग उनको दे दे के जाते हैं, हम भी दे दे के आते हैं, कभी कभी मैं भी आता हूँ, आज भी आया, 3 जगहों पर मैं देकर आया उनको। तो बात यह है कि उसकी वजह से देरी हो जाती है और हर प्लेसेस कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर 30 मीटर या फिर 40 मीटर में एक एक जगह पर मांगेंगे आपको। तो अगर 300 मीटर या 400 मीटर या फिर आधा किलोमीटर में एक जगह आएगा तो आप दे सकते हैं, ऐसे 20 मीटर 30 मीटर में अगर कलेक्शन करेंगे तो जाना भी मुश्किल हो जाता है और इतने चेंजेस भी नहीं होते, चेंज पैसे नहीं होते उनको देने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा फिर से गैप होने वाला है, या फिर कुछ गए हुए पुराने लोकेशन पर ही 2-3 बार करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, फिर उसके बाद ही ये थोड़ा ख़त्म हो जाए और भी दूर दूर लोकेशंस, अच्छे अच्छे लोकेशंस जा पाएंगे गाड़ी के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक थोड़ा प्लीज़ बियर कर लीजिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा और थोड़ी देर। बढ़िया ग्रेवी बन गया देखिए दोस्तों, सॉलिड। चलिए परोसते हैं, हो जाएगा इतना। ये भी बढ़िया से पक गए थे उस टाइम, ये देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले वो जो बॉडी बोल रहा था ना, उसको ये ट्राई करके देखता हूँ। कमाल का टेस्ट दोस्तों, यकीन मानिए आप खुद कभी बनाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको ऐसे तरीके में, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा ग्रेवी मिला के अंडे के साथ राइस भी थोड़ा टेस्ट करूँगा। ग्रेवी भी ठीक ठाक है, वो टमाटो केचप टाइप का डाला ना, इसलिए थोड़ा सा मीठा लग रहा है, लेकिन टेस्ट बढ़िया है। ये सब करते करते काफ़ी रात भी हो गई है, पीछे पहाड़ी जंगल है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिससे मालूम होता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे, मतलब इस इलाके में काफ़ी सारे भालू हैं, निशान छोड़ गए हैं अपना, वो खाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बाकी जैसे मैं कह रहा था, भालुओं के निशान हैं यहाँ पे रहने के, देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक है, वहाँ पर है, चलिए करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हैं दोस्तों कितने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं खाना खोजने के चक्कर में, और वहाँ पर भी, चलिए दिखाता हूँ एक, वहाँ पर भी है, ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर भी गड्ढे,
ये जो ऊपर के तरफ पहाड़ है, पहाड़ जंगल, देखिए फोकस करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर होने के चांसेस है। और उस तरफ तो दूर दूर जंगल है, टॉर्च लाइट थोड़ा जूम करने पर आपको दिखेगा शायद, थोड़ा देखिए पहाड़ियों के ऊपर ऐसा है। तो लेकिन अपने पास तो गाड़ी है इसलिए सेफ्टी है, घबराने की बात नहीं। अगर कुछ डर वर लगे, कुछ मुझे महसूस हो तो गाड़ी के अंदर घुस जाऊंगा मैं। चलिए सोने चलते हैं, लॉक हो गया। चलिए अंदर तो आ गया दोस्तों, पंखा भी चला लिया है मस्त, अभी खाना पीना बढ़िया से हो गया। बाहर की हालत तो आपने देखे, अगर कुछ भी मुझे डेंजर महसूस होगा टेंट के अंदर घुस जाऊंगा। बाकी बारिश वारिश तो नहीं हुई, बिन बुलाए बादल की तरह, मतलब मेहमान की तरह बादल आ जाते थे, दो दिन हुआ पिछले दो दिन से, लेकिन आज तो नहीं आए, उम्मीद में तो था बारिश हो जाए, नहीं हुआ, क्या करेंगे। चलिए अब सो ही जाता हूँ दोस्तों, ठीक है, लाइट वाइट बंद कर लेंगे, इनका भी पावर गया। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप सब रिलैक्स हो गए होंगे, रिलैक्स हो गए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नए कैंपिंग वीडियो में। हाँ, अगर कुछ अपडेट मिलता है, रात को कुछ होता है तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको, नहीं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के चला जाऊंगा, ठीक है, कुछ मिलता है तो दिखाता हूँ। बाकी जल्दी मिलता हूँ आपसे आज के वीडियो में, विदाई दीजिए, टाटा बाय बाय, नमस्कार, राम राम। सिर्फ पंखा, एयरबेड लाइट चलता रहे।